आपके कौन कर रहा होगा, आपके आप जो नून लीग है वो बेचारों के पास और कुछ करने के लिए क्या इस किस्म की बातें फैलाने के अलावा। कितनी खवातीन है जेल के अंदर, आपने देखा कि कितने यंगस्टर्स हैं, किसी के ऊपर केस है तो बता दें, एक केस लगा था हमारे ऊपर, किस चीज़ का केस है जरा हमारी जरा फैया पढ़ के देखे, मुझे भी नहीं पता था किस चीज़ का केस है। दफ्तर जलाने के केस हैं, दहशत गर्दी के केस हैं, प्लानिंग के केस हैं, मतलब आपको पता है कॉपी पेस्ट करें, छापा मारें FIR सब पे। अगर कोई और मुल्क होता मैं आपको ये बता दूं, आप ये जाकर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसके अंदर इस किस्म की झूठी FIR काटें, वो सारे के सारे पुलिस वाले प्रोसिक्यूटर सब जेलों में होते हैं। सियासी से भी आगे बढ़ गया है, कब्जा ग्रुपों को ये इनके ऊपर गया है, जमीन के ऊपर बनाए गए मेरी बहन पे कब्जे ग्रुप इनके पीछे लगे हैं और उल्टा इनके ऊपर केस कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पेशी थी क्या बना आपके केस? सब जुडिस है और इंशाल्लाह उसका फैसला हो जाएगा। वो केसेस में क्या है, कुछ भी नहीं, आपको पता है सारा मजाक लेकर आया हुआ है। बुशरा बीबी के खान साहब से मुलाकातें होती रहती हैं, उन क्या बताया उन्होंने डायरेक्टली आपको खान साहब के हवाले से? खान साहब देखें बहुत मजबूत हैं, जो खान साहब को मिलते हैं वो भी उनको वो भी यही बताती हैं, लॉयर्स भी यही बताते हैं, हम खुद भी इंशाल्लाह मिलकर आएंगे। कुछ लोग कुछ एंकर इस तरह ट्वीट करते जैसे बुशरा बीबी जो गवाह बतौर बनने जा रही है, इस तरह के तासरात देते हैं, आप क्या कहते हैं इसको? ये आपके कौन कर रहा होगा, आपके आप जो नून लीग है वो बेचारों के पास और कुछ करने के लिए क्या इस किस्म की बातें फैलाने के अलावा। आपने देखा कितनी खवातीन है जेल के अंदर, आपने देखा कि कितने यंगस्टर्स हैं, किसी के ऊपर केस है तो बता दें, एक केस लगा था हमारे ऊपर, किस चीज़ का केस है जरा हमारी जरा फैया पढ़ के देखे, मुझे भी नहीं पता था किस चीज़ का केस है। दफ्तर जलाने के केस हैं, दहशत गर्दी के केस हैं, प्लानिंग के केस हैं, मतलब आपको पता है कॉपी पेस्ट करें, छापा मारें FIR सब पे। अगर कोई और मुल्क होता मैं आपको ये बता दूं, आप ये जाकर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसके अंदर इस किस्म की झूठी FIR काटें, वो सारे के सारे पुलिस वाले प्रोसिक्यूटर सब जेलों में होते हैं। ये फ़र्क है पाकिस्तान में कि ये सारा कुछ फ्री फॉर ऑल है, इनको सबको जेल में होना चाहिए जो ये चीज़ें बना रहे हैं। अगर इनकी अगर ये कहते हैं जी हमारे हाथ में नहीं है तो फिर अपनी नौकरियों से दस्तबरदार होकर घर जाकर बैठें, अगर ईमानदार लोग हैं। अगर जज से कि जज कहते हैं हमारे पे प्रेशर है, तो अगर एक क्या कहते हैं ऑनरेबल जज होगा ना, वो अपना कुर्सी से उठेगा, कहेगा जी मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं अंजाम दे सकता, वो अपनी कुर्सी से उठेगा, इस्तीफा देगा और घर चला जाएगा बस। अगर वो ये नहीं कर रहे और ये कहेंगे, हमें सुनने में आता है जहाँ पुलिस वाले से पूछे, वो कहते हैं जी बड़ा प्रेशर है, जज साहब कहते हैं जी, सारे कहते हैं जी हमारे पे प्रेशर है, किसका प्रेशर है? अच्छा आप मैडम यहाँ पर सवाल है, लग रहा है खान साहब कब तक बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं? हमारा कोई झगड़ा नहीं है, देखिए इस वक्त इमरान खान का जेल में होना हम सबके लिए बहुत तकलीफ दे है, उनका जेल में होना बहुत तकलीफ है, और उन वो तो मजबूत बैठेंगे, लेकिन आपका ख्याल है हम बाहर बैठे हुए आप हमें क्या महसूस होता है? सिर्फ हमें नहीं, पाकिस्तान में लोग रात को दुआएं करके उनके लिए रोते हैं, और हमें शर्मिंदगी है कि हम बाहर हैं बैठे हुए और वो बेगुनाह एक इंसान हमारे लिए जेल के अंदर बैठे हैं। आजम खान साहब के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने गवाही दिया, तो कोई और भी सामने आ सकता है खान साहब का? जब आके कोर्ट में गवाही देंगे खान साहब ने कहा फिर मानेंगे, ऐसी ऐसा नहीं मानेंगे। मुझे बताएं हजारों लोग जेल में हैं, ये किस जुर्म में है, सारे किस जुर्म में है, इतने लोग जेलों में है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।